एक रस्मन कार्रवाई थी हिंदू धर्म के तहत, तो वो भी नहीं की जा सकती। वो केसा मोहन मलिक साहब ने जो किया था उसके ऊपर उसकी जो डेट पड़ी है वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की डेट है, मतलब नोटिस हुआ उसके बाद। आप नोटिस के बाद वो लोग दावा करते हैं कि नोटिस के बाद जो है वो अब तक कोई कार्रवाई की जो वो थी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सीमा को या एपी सिंह या सचिन को नहीं मिले। तो बात यह है कि वो केस भी इसी तरह अक्टूबर में है। चाइल्ड अब्यूज का केस उन्होंने किया था वो उसकी डेट भी जो है वो नवंबर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में। एपी सिंह सचिन और सीमा ने जो एक मानहानि की थी, उनकी हद तक इज्जत की थी मोहन मलिक साहब की, वो केस नवंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में। और इसी तरह जो दूसरे केस है जिसमें पंडित वगैरह भी नाम जाते, वो एक है शायद 27 अगस्त को। तो अब 27 अगस्त को पेशकश होती है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। सूरत हाल जो एक परेशान कर सूरत हाल है कि केस इम्पोर्टेंट है, केस चार बच्चों की जिंदगी के सवाल पर मबनी है, केस दो देशों के दरमियान का है, ये कुछ जाति नोयत का केस नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मामला है, एक डेढ़ साल से लोग शोर मचा रहे हैं उस पे जो है वो अदालतों में या कुछ और जो नामालूम वजूहात है उनकी वजह से अगर केसेस पेंडिंग जाएंगे, पर वक्त कार्रवाई नहीं होगी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जुल्म समझा जाएगा इस बात को। कि देखिए जो आपके मुल्क के अंदर जो मसाइल सामने आ रहे हैं चाइल्ड रेप के या चाइल्ड अब्यूज के, उसके बाद फिर खवातीन के साथ जो कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं, तो जो अपने देश में जो लोग महफूज नहीं है दूसरे देश के आपके देश में कैसे महफूज हो सकते हैं, इस पर जो है वो सवाल बनता है। हम सब कर रहे हैं और हम यही इल्तिजा करेंगे कि देखिए इस मामले में नजरथानी की जानी चाहिए। केसेस पेंडिंग है तो आप खुद बताएं कि सब कहते हैं अदालत अदालत पे भरोसा रखो, अदालत इंसाफ देगी, सब कहते हैं अदालत की से ही जो है वो सारी चीजें, उसमें कोई जो है वो कोई नेता कोई हुकूमत कोई गवर्नमेंट का बंदा जो है उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। हम यही तो कहते हैं नहीं कर सकता, लेकिन उस अदालत में केस जाएगा तो अदालत चलाएगी, लेकिन उस अदालत में जब केस ही नहीं जा रहा तो किससे केस चलेगा, कौन इंसाफ करेगा, कौन फैसला करेगा, किससे तवक्कुल रखी जाएगी गुलाम हैदर को बर वक्त इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल ये मसला है सर। सर कुछ डेट्स के हवाले से आप बात कर रहे थे, जरा उस बारे में हमें थोड़ा बताइएगा कि एक्चुअली में ये डेट्स जो आपने अभी बताई हैं और आपने बड़ा प्रॉपरली इसको मेंशन किया है, तो थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिएगा इस चीज को। देखें जो मेन इसमें पंडित एपी सिंह सचिन के खिलाफ जो केस था, पंडित एपी सिंह और सचिन के खिलाफ जिसमें उनको इल्लीगल 12 मार्च की शादी हुई थी जिसको बारातियों को भी नामजद किया गया था, उसकी 27 अगस्त डेट है। और इसके अलावा जो केस था कि इसमें ज्यादा 19 धाराएं लगाई जाएं कि ये क्राइम हुआ ये अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में, ठीक है। और इसके अलावा एक चाइल्ड अब्यूज का केस था जो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में है। फिर जो मोहन मलिक साहब ने केस किया था, चार केसेस की डिटेल सामने आ सकी है। मोहन मलिक साहब ने जो केस किया था कि मेरे इन्होंने हद तक इज्जत की है कि ये कहते हैं आतंकवादियों से इनके संगठन है और ये फंडिंग ले रहे पाकिस्तान से, उस वो जो केस था उसकी 18 नवंबर डेट है नवंबर। तो अब इतनी लंबी लंबी डेटें होंगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई हुए तो एविडेंस आने थे, अब एविडेंस क्यों नहीं पेश किए जा सके और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी, और फिर इतनी लंबी तारीखें पड़ गई तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि फिर क्या सारा साल और इंतजार करेंगे, क्या करेंगे, मतलब कोई बात भी ना करें और फिर किस तरह ये सारी चीजें होंगी। बिल्कुल सही बात है। जहां तक सर आप डेट्स की बात कर रहे हैं तो वाकई ये तो बहुत एक परेशान कुन बात है कि इतनी लंबी डेट्स हैं। अगर हम यहां पर देखें तो नवंबर में जाकर अक्टूबर में जाकर केस है और यहां पर ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है इस केस को कि अब हमें लगता है कि जैसे मायूसी वाला या मायूस कुन बिहेवियर जो है वो हमारे सामने आ गया है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि ये डेट्स जो हैं वो काफी लिंगर ऑन की गई हैं। इसकी एक बार मुझे याद आ रहा है एब्सोल्युटली मोमिन सर ने एक लाइव में ये बात कही थी, क्योंकि ये सवाल बार बार उठाया गया था कि आखिर ये डेट्स इतनी लेट क्यों दी जा रही है, क्या उसकी रीजन है, क्या उसकी वजूहत है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से करीब की डेट्स जो है वो नहीं मिल पा रही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और फिर जाहिर सी बात है कि वहां पर क्राइम की रेशियो भी बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली पॉपुलेशन जब ज्यादा होती है तो हर तरह के मसाइल ज्यादा होते हैं। तो मोमिन सर ने ये बात कही थी कि एक्चुअली में जब ये केस सामने आया और इसकी इतनी लंबी डेट्स पड़ी थी तो बकायदा तौर पर मोमिन सर ने रिक्वेस्ट की थी कि इस केस को थोड़ा सा जल्दी किया जाए, इसकी डेट्स जो है वो थोड़ी बेहतर तरीके से जो है वो आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि ये मामला इज नॉट ओनली अबाउट कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, कोई सोशल इशू नहीं है कि जिसको यही इंडिया में रहते हुए ही सॉर्ट आउट करना है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चार बच्चे जो उस मुल्क के नहीं हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमें कुछ करना है बेहतरी के तौर पर। जैसा आपने